शब्द होता है मन, लेकिन इसकी ताकत, इसकी शक्ति कितनी विशाल है यह हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो हम सोचेंगे वो बुद्धि से सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे, और दिमाग एक दायरे में ही सोच सकता है, उस दायरे से बाहर नहीं सोच सकता। लेकिन जो मन होता है उसका कोई दायरा नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। मन एक पक्षी की भांति है जिसके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है उड़ने के लिए। उसी तरह मन होता है, मन की सीमा अपार होती है, लेकिन जिस हथियार में जितनी ज्यादा शक्ति होती है उस हथियार को इस्तेमाल करना उतना ही ज्यादा कठिन होता है। यही बात मन पर भी लागू होती है, इसमें इतनी ताकत होने के कारण इसको इस्तेमाल करना भी उतना ही कठिन होता है। और अक्सर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने मन को इस्तेमाल करना सीख ही नहीं पाता, उसकी शक्तियों को पहचान ही नहीं पाता। अगर आप पूरे एकाग्र भाव से अपने मन में एक विचार और भाव पैदा करते हैं कि मुझे दुनिया के फला देश की फला लाइब्रेरी में रखी हुई फला किताब पढ़नी है, तो यह पूरा ब्रह्मांड उस किताब को हमारे लिए उपलब्ध कराने में लग जाएगा। जी हाँ, सुनने में यह बात असंभव लगती है, लेकिन अगर हम पूरे एकाग्र भाव से विचार करते हैं और पूरा सच्चा भाव करते हैं उस चीज को पाने का, उस वस्तु को पाने का, तो पूरा ब्रह्मांड उसे हमारे लिए उपलब्ध कराने में लग जाता है। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसके बाद आप अपनी मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाओगे। उसके बाद आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी जीवन में करना चाहते हो, उसको अपने मन की शक्तियों से संभव कर पाओगे। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपके कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु एक आश्रम में अपने शिष्यों को ध्यान प्रक्रियाओं की शिक्षा देते थे। तरह तरह के ध्यान लगाने के रास्ते वो उन्हें बताते रहते थे। वो गुरु बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उनके चेहरे से उनके शांत और सौम्य मुद्रा सभी बच्चों को आकर्षित करती थी। उनका चेहरा हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता था और जो भी उनसे मिलता था या उनके चेहरे को देखता था तो उसके हृदय में भी गुदगुदी होने लगती थी। इससे सभी बच्चे आकर्षित थे। सभी बच्चे चाहते थे कि हम अपने गुरु की भांति बन जाएं, हम गुरु की तरह शांत और सौम्य बन जाएं। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चे उनकी स्थिति पर नहीं पहुंच पाते थे। वो इस बात पर कभी गौर ही नहीं करते थे कि गुरु ने इस अवस्था को पाने के लिए कितनी साधना की है, कितनी उम्र बिताई है, कितना संयम रखा है। उनका एक शिष्य था, वो भी उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित था और वो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द अपने गुरु की तरह बन जाऊं। इसीलिए बहुत सारे ध्यान प्रक्रियाएं करने के बाद भी जब वो उस अवस्था को हासिल नहीं कर पाया तो उसने सोचा कि गुरु हमसे पूरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, गुरु हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। इसी संदेह ने उसके मन को घेर लिया। उसका मन पूरा संदेह से भर गया और इस संदेह का निवारण करने के लिए उसने सोचा कि मैं पूरी तरह से गुरु की नकल करने लग जाता हूँ। जिस तरह पूरे दिन में गुरु आचरण करते हैं उसी तरह से मैं भी करूँगा, तो मैं भी इस अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। इसीलिए उसने सुबह शाम दिन रात गुरु का अनुसरण करना शुरू कर दिया। वो छुप छुप कर अपने गुरु को देखा करता था कि गुरु किस तरह बैठते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह ध्यान लगाते हैं, किस तरह किसी से बातचीत करते हैं, किस तरह गुरु चलते हैं। उसने हर छोटे से छोटा गुरु का व्यवहार नकल करना शुरू कर दिया। जिस तरह गुरु आचरण करते थे उसी तरह उस शिष्य ने करना आरंभ कर दिया। पहले उसने देखा कि गुरु किस तरह बात करते हैं, तो उसने भी उसी तरह बात करनी शुरू कर दी। फिर उसने देखा कि गुरु किस तरह चलते हैं, तो उसने भी उसी तरह चलना शुरू कर दिया। लेकिन यह सब नकल वो गुरु से छुप छुप कर करता था, उनके सामने कभी नहीं करता था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वो हिम्मत करके एक दिन गुरु के साथ चल पड़ा। उस समय गुरु एक नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे थे और वो शिष्य गुरु के साथ साथ चल रहा था और नदी पर पहुंचकर गुरु की तरह ही नदी में उतरकर उसने स्नान किया और उसके बाद जिस चट्टान पर गुरु बैठकर ध्यान करते थे उसी चट्टान पर वो गुरु से पहले जाकर बैठ गया और वहीं पर ध्यान करने लग गया। गुरु ने ये सब भाप लिया और उन्हें
समझते देर नहीं लगी कि यह शिष्य मेरी नकल कर रहा है, इसीलिए वह पास की चट्टान पर जाकर ध्यान करने लग गए। उस शिष्य ने सोचा था कि गुरु मुझसे कुछ ना कुछ कहेंगे और वह ध्यान करते वक्त यही सोच रहा था कि किसी के बोलने की आवाज आती है कि नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर बाद भी जब गुरु कुछ नहीं बोले तो उसने आंखें खोलकर गुरु की तरफ देखा। गुरु उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस पर शिष्य ने पूछा, गुरुवर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इस पर गुरुजी ने कहा कि बेटे तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह शांत और सौम्य बन जाऊँ, आप ही की तरह बात कर सकूँ, आप ही की तरह चल फिर सकूँ। यह सुनकर गुरु ने कहा कि बेटे नकल करना बंदरों का काम होता है। बंदर दूसरों की नकल करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन हम बंदर की योनि से ऊपर उठकर इंसान की योनि में आए हैं। हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है और तुम दोबारा से बंदर बन जाना चाहते हो, यह कहाँ की समझदारी है? यह सुनकर शिष्य ने कहा, लेकिन गुरु जी इतना ध्यान करने के बाद भी मुझ में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आप ही की तरह सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, वो मुझे कैसे हासिल होगा? यह सुनकर गुरु कहते हैं कि पहले तो तुम मेरी नकल करना बंद करो और इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ, क्या तुम कर पाओगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव मैं बिल्कुल करूँगा, आप बताएं तो सही। इस पर गुरुजी ने कहा कि तुम एक महीने तक अपने विचारों को देखना शुरू करो और जो भी विचार आता है उन विचारों की संख्या के रूप में तुम लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगो। ध्यान रहे एक विचार के बदले एक लकड़ी, और एक महीने में यह सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके जो सामने झोपड़ी है उसमें रखते जाओ। ध्यान रहे हर एक विचार के लिए एक लकड़ी, जब भी तुम्हें कोई विचार आए तो उसके परिणाम स्वरूप तुम एक लकड़ी उठाकर उस झोपड़ी में रख देना। यह प्रक्रिया तुम एक महीने तक करो। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव मैं ऐसा जरूर करूँगा। मैं एक महीने तक जितने मुझे विचार आएंगे उनके परिणाम स्वरूप उतनी ही लकड़ियाँ इकट्ठी करके झोपड़ी में रखता जाऊंगा। इस पर गुरु ने कहा, इसके साथ तुम्हें एक काम और करना है। जो भी विचार ध्यान ज्ञान और सत्य का होता है उन विचारों की लकड़ियाँ इकट्ठी करके झोपड़ी से बाहर रखना। ध्यान रहे बाकी विचारों की लकड़ियाँ झोपड़ी के अंदर, और जो ध्यान ज्ञान और सत्य की लकड़ियाँ हो वो झोपड़ी के बाहर रखनी है, और यह सब प्रक्रिया तुम्हें एक महीने तक करनी है। इस पर शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरु जी इससे होगा क्या? गुरु जी ने कहा कि यह तुम्हें यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही पता चलेगा। तुम बिना परिणाम की चिंता किए हुए इस प्रक्रिया को एक महीने तक करो, उसके बाद क्या हासिल होता है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। उसने ऐसा ही किया। एक महीने तक जो भी विचार आता रहा उसने उसके परिणाम स्वरूप उतनी ही लकड़ियाँ इकट्ठी करके झोपड़ी के अंदर और बाहर रखता रहा। एक महीने का समय बीतने के बाद वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा कि गुरुवर मैंने वो प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह सुनकर गुरुजी उसके साथ आए और उस झोपड़ी के अंदर गए जहाँ पर उसने वह लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी थी। गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो रखी है। इसके बाद गुरुजी बाहर आए तो बाहर उन्होंने देखा कि बहुत थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी हो रखी है। इसका मतलब यह था कि ध्यान ज्ञान और सत्य के विचार कम थे और बाकी के दूसरे विचार उससे कई गुना ज्यादा थे। यह देखने के बाद गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटे तुम अब एक काम करो, झोपड़ी के अंदर जितनी भी लकड़ियाँ हैं उन्हें उठाकर नदी में बहा दो। यह सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित होकर बोला कि गुरुजी यह तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, इतनी लकड़ियों का बोझ तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि जब तुम इतनी लकड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते तो इतने विचारों का बोझ कैसे उठा लेते हो? शिष्य ने कहा कि गुरुजी विचारों में तो कोई वजन ही नहीं होता है। इस पर गुरुजी ने कहा, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। विचारों में इन लकड़ियों से भी ज्यादा वजन होता है, लेकिन वह हमें महसूस नहीं होता क्योंकि वह वजन हमारे शरीर पर ना होकर हमारे मन पर होता है, हमारे मस्तिष्क पर होता है। तुम खुद देखो
देखो सत्य ज्ञान और ध्यान के विचार कितने थोड़े से हैं और बाकी के फालतू विचार कितने ज्यादा हैं और तुम इतने थोड़े से सत्य के विचारों को लेकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो। तुमने परमात्मा का इतना थोड़ा मूल्य लगाया है। बच्चे ध्यान ज्ञान और सत्य के विचार तुम्हारे बाकी विचारों के नीचे दबे हुए हैं। जब तक वो विचारों के नीचे दबे रहेंगे तुम ही बताओ तुम्हें सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अगर तुम्हें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हारे मन में उसी लक्ष्य के विचार उठने चाहिए, उसी लक्ष्य पर तुम्हारे विचार केंद्रित होने चाहिए, तभी तुम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। यह सुनकर वह शिष्य गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और उसके बाद उसने कहा कि गुरु जी आज से मैं जो भी सोचूंगा वो ध्यान और सत्य के संबंध में ही सोचने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से हम सब अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, हमें बिजनेस करना है, हमें कामयाब होना है, यह तो हम निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन इसके निर्धारित करने से ही हमें लक्ष्य नहीं मिल जाएगा बल्कि हमें सुबह शाम दिन रात अपने विचारों को उसी लक्ष्य पर केंद्रित करना है। बाकी सब फालतू की चीजों से अपने विचार हटा दो और अपने लक्ष्य पर अपने विचार केंद्रित करो। एक बार अगर तुमने लक्ष्य पर अपने विचार केंद्रित कर दिए, अगर तुमने सच्चा भाव बना लिया अपने लक्ष्य के प्रति, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें अपना लक्ष्य पाने से रोक सके। तुम्हें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, खुद की मोटिवेशन खुद बनो और उसके लिए जो ताकत चाहिए, जो चाहिए वह तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें प्रदान करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होना पड़ेगा। अगर अपने लक्ष्य से ही धोखा करोगे तो समझ लेना तुम उनके साथ धोखा कर रहे हो। इसीलिए खुद को धोखा मत दो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे थे, तुम खुद को ही धोखा दे रहे थे, खुद को ही तुम झूठ में रखे हुए थे, खुद के मन को ही तुम पागल बना रहे थे। क्योंकि आखिरकार तुम जो भी करोगे वो खुद के लिए करोगे। अगर कल को तुम अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होगी? सिर्फ तुम्हें होगी और तुम्हारे बाद तुम्हारे घर वालों को होगी। इसीलिए अपनी खुशी के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहो, ईमानदार रहो और अपने विचारों को, अपने मन को अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर दो और पूरी ताकत झोंक दो। फिर देखना कि जिस लक्ष्य में तुम 5 साल में पहुंचने वाले थे वह लक्ष्य तुम 1 साल में हासिल कर लोगे।